तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। तो दोस्तों आज भी बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म टेक खबर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है ऑनर की तरफ से। ऑनर का नया एक फोन आने वाला है फ्रेंड्स, उसका नाम है ऑनर V40 के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस का ये रहेगा फ्रेंड्स चिपसेट, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ साथ इसके अंदर आपको 45 वॉट का रिवर्स वायरलेस आपको चार्जिंग भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो बैटरी रहेगी वो 4000 मिली एम्पीयर की रहेगी और उसके साथ साथ आपको 65 वॉट का वायर चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो फोन तो अच्छा है फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको 6.72 इंचेस की आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी जो कि बहुत ही बड़ी स्क्रीन है फ्रेंड्स। साथ साथ इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ साथ इसके अंदर आपको जो रैम मिलेगी वो LPDDR4X वाली रैम मिलेगी और जो स्टोरेज रहेगा वो UFS 2.1 का रह सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके का कुछ बताया जा रहा है फ्रेंड्स, तो देखेंगे, लॉन्च होने दीजिए एक बार तब हमको जरूर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपना जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया था Xiaomi Mi 11, ठीक है फ्रेंड्स, Mi 11 उन्होंने लॉन्च किया था। अभी उसका लाइटर वर्जन आ रहा है Mi 11 Lite के नाम से। उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए फ्रेंड्स। ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो प्रोसेसर रहेगा वो स्नैपड्रैगन 732 का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ साथ ऐसे भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप मिल सकता है। साथ साथ इसके अंदर जो कैमरा रहेगा वो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल सेंसर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो बैटरी रहेगी वो 4250 मिली एम्पीयर की बैटरी रह सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और ऐसे भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, साथ ही इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके का हो सकता है फ्रेंड्स, तो देखेंगे। अभी तक फिलहाल कुछ और एक्स्ट्रा कुछ आए नहीं है, ये सिर्फ लीक्स है फ्रेंड्स। तो देखेंगे, लॉन्च होने दीजिए एक बार तब पता चली जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है पोको की तरफ से। अगर किसी को पोको M2 या फिर पोको C3 लेना है फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर प्राइस कट आउट हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अभी जो पोको M2 है उसके अंदर आपको 9999 यानी कि 10,000 के नीचे आपको ये मिल जाता है पोको M2, और पोको C3 जो है वो आपको 8,500 में मिल जाता है। तो अच्छे प्राइस है फ्रेंड्स, मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आके परचेस कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स अगर हमारी टेक न्यूज अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स आपके लाइक्स भी बहुत ही कम आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी कोया है फ्रेंड्स, या फिर रियलमी V15 ऐसे ये भी नाम है उसका। उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए फ्रेंड्स। ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर आपको जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर रहेगा, और साथ ही इसके अंदर जो चार्जिंग रहेगी फ्रेंड्स उसके अंदर आपको 50 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। और साथ साथ ऐसे भी अंदर ये आपको फोन लॉन्च होने वाला है January 7 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा है फ्रेंड्स, तो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आज की 6 यानी कि कल ही ये लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स। तो देखेंगे लॉन्च होने के बाद कैसे स्पेसिफिकेशन आते हैं, क्या आते हैं, तब पता चली जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी के जो आपके पास अगर रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी नोट 5 जो अगर आपके पास होंगे तो उसके ऊपर आपको MIUI 12 का अपडेट रोल आउट होना चालू होने वाला है फ्रेंड्स बहुत ही जल्द, Xiaomi ने कन्फर्म किया है। तो जिसके पास भी नोट 5 प्रो और नोट 5 है तो जल्दी से आगे उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का जो रेडमी नोट 10 प्रो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर यानी कि FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर लाइव हो गया है फ्रेंड्स। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर आपको 5G सपोर्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये जो प्रोसेसर होने वाला है इसके अंदर ये 5G रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये कौन सा प्रोसेसर हो सकता है, क्या हो सकता है वो पता नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही जल्द इसके ऊपर कुछ लीक्स आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो फिलहाल में इतना ही बताया गया है कि ये 5G फोन हो सकता है और US FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर ये चला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो
देखते हैं, एक बार लॉन्च होने दीजिए, किस तरीके का फोन होता है, क्या होता है, तब पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो गैलेक्सी A72 है फ्रेंड्स, उसके कुछ डिजाइन लीक हो गए फ्रेंड्स। ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी जो फोन है फ्रेंड्स, वो एल्यूमिनियम केस की तरह वो बाहर निकल के आया, यानी इसके अंदर आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, एक बार आने दीजिए, और कुछ लीक्स आते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है सैमसंग की ही तरफ से। सैमसंग का जो गैलेक्सी S21 सीरीज है, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए फ्रेंड्स। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कैमरा रहेगा फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको सुपर जूम का फीचर रहेगा, यानी कि आप जैसे 120x जूम हो सकता है या फिर 140x जूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ ऐसे डिटेल में बताया नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि सुपर जूम इसके अंदर फीचर रहेगा, यानी कि आप बहुत ही अच्छे से आप जूम कर पाओगे किसी भी इमेज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, एक बार लॉन्च होने दीजिए, किस स्पेसिफिकेशन से आता है, क्या आता है, तब पता चली जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है सैमसंग की ही तरफ से। सैमसंग का जो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो है, उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलेगा। यानी कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मीन्स फ्रेंड्स, जो आपको जो रिफ्रेश रेट होता है स्क्रीन का, जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 30 FPS से लेकर वो आपको चले जाएगा कम से कम 120 हर्ट्ज तक। ठीक है फ्रेंड्स, 30 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक ये फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसके हिसाब से सेट होगा, गेमिंग कर रहे हो तो उसके हिसाब से सेट होगा, इस तरीके का ये इसके अंदर हो सकता है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स, ऐसा एक फीचर कौन से फोन के अंदर है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है सैमसंग की ही तरफ से। सैमसंग का जो गैलेक्सी टैब है फ्रेंड्स, सैमसंग गैलेक्सी टैब M62, उसके कुछ कवर्स बाहर आ गए, यानी कि जो प्रोडक्शन किए रहते हैं फ्रेंड्स वो बाहर आ गए फ्रेंड्स। ऐसा दिख रहा है उसके अंदर वो मास प्रोडक्शन के लिए चला गया फ्रेंड्स। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर 6GB रैम का सपोर्ट हो सकता है, और साथ साथ 256GB का आपको स्टोरेज मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे किस तरीके का फ़ोन होता है, क्या होता है, एक बार लॉन्च होने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो ये सिर्फ प्रोडक्शन में चला गया है, तो जैसे ही ये इसके प्रोडक्शन होने के बाद और कुछ लीक्स आने के बाद एक बार पता चल जाएगा, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यही था आज के टेक न्यूज़ में। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, आज शाम तक हमारे सेकंड चैनल के ऊपर और एक नया गेम प्ले आने वाला है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे चैनल सेकंड चैनल की। ठीक है, वहाँ से जाके आप वो देख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।